हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेस। मैं अभिषेक कुमार आपको गणित पढ़ा रहा हूँ, जिसमें हम लोग संबंध एवं फलन पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने फलन एवं उसके प्रकार पर चर्चा की थी। आज हम उसी फलन के प्रकार को आगे बढ़ाएंगे। पिछली वीडियो में हमने फलन के प्रकार में चार प्रकार पढ़ लिए थे। पहले वाले प्रकार का नाम है, सबसे पहले हमने पढ़ा था तत्समक फलन। दूसरे पर हमने क्या पढ़ा था? बहुपदी फलन। और पॉइंट नंबर 3 पर हमने पढ़ा था अचर फलन। और पॉइंट नंबर 4 पे हमने पढ़ा था मापांक फलन। आज की इस वीडियो में हम तत्समक फलन, बहुपदी फलन, अचर फलन एवं मापांक फलन के बाद परिमेय फलन पर चर्चा करने वाले हैं। तो चार प्रकार तो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, आज पांचवें प्रकार में हम पढ़ रहे हैं परिमेय फलन। क्या पढ़ रहे हैं? परिमेय फलन। अंग्रेजी में परिमेय फलन को रेशनल फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेशनल फंक्शन। ठीक है, देखिए परिमेय फलन क्या होता है। आप परिमेय संख्याओं के बारे में तो जानते होंगे कि वे संख्याएं जिनमें अंश होता है और हर होता है, अर्थात जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, सब परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। उसी प्रकार से आप कह सकते हैं कि ऐसा फलन जिसमें कौन हो, जिसे f(x)/g(x) की फॉर्मेट में क्या किया जा सके, लिखा जा सके, और यह भी बताया जाएगा कि जो g(x) होगा हमारा वो बराबर नहीं होना चाहिए, किसके? जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तो वह फलन हमारा क्या कहलाएगा? परिमेय फलन कहलाएगा। ठीक है ना। देखिए हम क्या कहेंगे परिमेय फलन में, सीधे सीधे हम बात कर रहे हैं परिभाषा, अगर आप कहें तो लिख दी जाए, लेकिन परिभाषा अगर हम लिखनी है तो आप क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ऐसा फलन जिसे f(x)/g(x) के रूप में लिखा जा सके और g(x) जो हो वो जीरो के बराबर ना हो, तो वह फलन क्या कहलाता है? परिमेय फलन कहलाता है। हम आगे बढ़ते हैं, हम आपको परिमेय फलन की रेंज और परिमेय फलन की डोमेन बताते हैं। ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए कोई उदाहरण ले लेते हैं, माना y बराबर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, f(x) बराबर क्या है? 1/x। f(x) बराबर हमारे पास क्या है? 1/x। तो हमें यह ध्यान में रखना होगा कि जो ये x है वह जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो को छोड़ करके आप कोई भी इनपुट डालोगे, इनपुट का मतलब डोमेन, तो आपको आउटपुट मिलेगा ही मिलेगा, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? रेंज, सिवाय जीरो के। इसलिए हम लोग परिमेय फलन के प्रांत की बात करें, किसकी बात करें? परिमेय फलन के प्रांत की बात करें, तो परिमेय फलन का जो प्रांत होता है वह सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं, सिवाय किसके? सिवाय जीरो के। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप g(x) की जगह क्या रखोगे? जीरो रखोगे, वो फलन हमारा क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अगर परिसर की बात करें, किसकी बात करें? परिसर की बात करें, तो परिसर भी हमारा क्या होगा? ऑल रियल नंबर होगा, लेकिन उसमें से कौन नहीं होगा? जीरो नहीं होगा। जब हमने जीरो को क्या किया? इनपुट में ही नहीं डाला है। जब जीरो को हमने इनपुट में ही नहीं डाला है तो आउटपुट में हमें नहीं मिलने वाला है, इसलिए सभी रियल नंबर होंगी हमारी, लेकिन किसे? शून्य को छोड़ करके। यहाँ r-0 इस वजह से लिखा है, इसका मतलब है कि प्रांत हमारा क्या होगा? सभी वास्तविक संख्याएं होंगी सिवाय किसके? जीरो के। इसीलिए यहाँ परिसर भी लिखा है हमारा, सभी क्या होगा? रियल नंबर होगा, सिवाय किसके? जीरो को छोड़ करके। उदाहरण के लिए आप इस पर चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, सवाल को लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको देखना पड़ेगा कि इसमें कौन से नंबर की बीमारी है। हमने आपको पिछली वीडियो में फलन का प्रांत और परिसर ज्ञात करने के लिए 3 सूत्र बताए थे। आपको कुल मिला जुला करके अगर कोई फलन है, अगर उसका डोमेन और रेंज निकालना है, तो वो आपको 3 टाइप से दिखेगा। किस टाइप से? 3 टाइप से। या तो कैसे दिखेगा वो? या तो दिखेगा वाई बराबर रूट अंडर या fx के रूप का दिखेगा। दूसरा क्या दिखेगा? 1/ या fx के रूप का दिखेगा। तीसरा क्या दिखेगा? तीसरा अगर दिखना है तो y बराबर वो दिखेगा 1/ रूट अंडर या fx के रूप का। ठीक है, ये 3 रूप हो गए। इन तीनों रूपों में हमने आपसे कहा था
यदि पहला रूप आता है तो आप क्या करोगे, एफ एक्स को सीधा क्या करोगे, बड़ा कर दोगे और क्या बराबर कर दोगे किसके, जीरो के। आगे देखिए, यदि हम लोग क्या देखें, ये दूसरे टाइप की बीमारी दिख रही है तो सीधा सीधा एफ एक्स क्या करेंगे, बड़ा कर देंगे क्या, अच्छा बड़ा नहीं, इसे कहेंगे कि जो एफ एक्स है वो बराबर नहीं होना चाहिए किसके, जीरो के। कुछ भी हो सकता है लेकिन बराबर नहीं होगा किसके, जीरो के। अगली बात यहां देखें तो यहां हम लोग इसी एफ एक्स को क्या बोलेंगे, इसी एफ एक्स को कहेंगे कि ये सदैव क्या भैया आप बड़े रहना किससे, जीरो से। यहां जीरो के बराबर भी होने की बात नहीं है, अगर जीरो के बराबर भी हो जाएगा तो ये फलन फिर से परिभाषित नहीं होगा। इन तीन पर हमने क्या की थी, चर्चा की थी, ठीक है। देखिए तो यहां हम देख पा रहे हैं कि जो फलन है उसमें बीमारी नंबर कौन सी है, दूसरे नंबर की, ठीक है ना, ये पहले नंबर की है, ये दूसरे नंबर की है, ये तीसरे नंबर की है, तो ये कौन सी बीमारी है, दूसरे नंबर की। तो दूसरे नंबर हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स जो है वो बराबर नहीं है किसके, जीरो के। एक्स जो है वो बराबर नहीं है किसके, जीरो के, मतलब जो एक्स है वो जीरो नहीं है, बाकी कुछ भी हो सकता है, आप एक्स की कोई भी और वैल्यू डालो सब मिलेगी आपको, ठीक है, लेकिन एक्स को जीरो नहीं रखना है, एक्स को जीरो नहीं रखना है, ठीक है। तो इसका जो प्रांत और परिसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आर माइनस जीरो, और परिसर क्या हो जाएगा, आर माइनस जीरो। इस प्रकार परिमेय फलन का प्रांत और परिसर दोनों ही आपके लिए क्या हो जाएगा, दोनों ही आपके लिए आर माइनस जीरो हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले फलन की ओर, अगले फलन का हमारे पास नाम है परिमेय फलन के बाद सिग्मन चिन्ह फलन, क्या नाम है, चिन्ह फलन, चिन्ह फलन, इसे बोलते हैं सिग्मन, क्या बोलते हैं, सिग्मन फंक्शन, ठीक है ना, सिग्मन फंक्शन, चिन्ह फलन, या इसे क्या बोलते हैं, सिग्मन फंक्शन, ठीक है। यहां सबसे जरूरी, अभी तक हमने जिन जितने फलनों में पढ़ा है उसमें तत्समक, बहुपदी, अचर, मापांक और क्या, परिमेय फलन, उसमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर है फलन कोई तो वो कौन सा है, सिग्मन फंक्शन, और उसके बाद है कोई तो मापांक फंक्शन, ठीक है ना। तो हम लोग अब सिग्मन फंक्शन पर चर्चा करते हैं कि वाकई में सिग्मन फंक्शन होता क्या है, ठीक है। देखिए हम सीधे सीधे बात करते हैं कि सिग्मन फंक्शन को लिखा कैसे जाता है, ठीक है ना, कहेंगे कि सिग्मन फंक्शन को, सिग्मन फंक्शन को मतलब लिख देते हैं ऐसे ही, सिग्मन फंक्शन को, सिग्मन फंक्शन को वाई बराबर, वाई बराबर क्या, यस आई जी एन ऑफ एक्स, सिग्मन फंक्शन ऑफ एक्स के रूप में लिखा जाता है। सबसे पहली बात आपको जो ध्यान में रखनी है कि सिग्मन फंक्शन को वाई बराबर सिग्मन फंक्शन ऑफ एक्स के रूप में लिखा जाता है। जैसे हमने क्या लिखा था, मापांक फलन में लिखा था क्या, कि मापांक फलन में एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स या वाई बराबर मॉड ऑफ एक्स, उसी प्रकार से वाई बराबर सिग्मन ऑफ एक्स हमने क्या करा था, उसके बाद इस मॉड ऑफ एक्स को क्या किया था, डिफाइन किया था, उसी प्रकार से हम सिग्मन ऑफ एक्स को भी डिफाइन कर रहे हैं। देखिए मॉड सिग्मन ऑफ एक्स को कैसे डिफाइन करेंगे, पॉइंट नंबर एक समझ लीजिए, पॉइंट नंबर दो देखिए, ये हो जाएगा क्या, सिग्मन सिग्मन फंक्शन ऑफ एक्स जो है वो इस प्रकार डिफाइन है कि, वो इस प्रकार डिफाइन है कि मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स कब होता है, जब क्या होता है, यक्स जो है वो क्या होता है, जीरो नहीं होता है तब, मतलब यक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो के लिए ये बात क्या होती है, सत्य होती है। और जब यक्स बराबर हमारे पास जीरो हो जाता है तो सिग्मन फंक्शन की जो वैल्यू हो जाती है वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। फिर अगर आप देखें तो ये मॉड है, ये क्या है, मॉड, और मॉड कितने प्रकार से परिभाषित होता है, फिर वो दो प्रकार से परिभाषित होगा। अगर आप इसे और भी परिभाषित करके लिखना चाहें तो आप इसे लिख सकते हैं, जब आप मॉड से बाहर इसे निकालेंगे तो क्या आएगा, एक बार तो माइनस आएगा और एक बार क्या आएगा, प्लस। लेकिन जब प्लस आएगा तो क्या बना देगा हमें, ये एक्स बना देगा, क्या बना देगा, जब ये प्लस रहेगा तो क्या बनाएगा, एक्स जो है वो बड़ा रहेगा जीरो से, एक्स जो है वो बड़ा रहेगा जीरो से, तो हमें ये जो मॉड ऑफ एक्स है वो क्या देगा, एक्स देगा, और पहले से कौन है, एक्स है, ठीक है। दूसरी बात, यदि यही एक्स क्या हो गया, जीरो से छोटा हो गया, तो ये क्या होगा, माइनस एक्स बटा क्या हो जाएगा, एक्स, ठीक है। अगली बात क्या है,
x बराबर क्या है, जीरो है, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है ना, इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसे परिभाषित कर सकते हैं। जहां x इज ग्रेटर देन जीरो के लिए हमारा हो जाएगा एक, और x इज लेस देन के लिए क्या हो जाएगा, माइनस एक, और ये जीरो तो स्वयं है ही। ठीक है ना, देखिए ध्यान से, यहां क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या है, सिग्मन ऑफ एफ एक्स, सिग्मन ऑफ एक्स, सिग्मन ऑफ एक्स के लिए क्या है हमारे पास, एक्स बटा एक्स है जब एक्स इज ग्रेटर देन क्या है, जीरो, माइनस एक्स बटा एक्स है जब एक्स इज लेस देन जीरो, एक्स बराबर जीरो है कब, जब जीरो है। ठीक है ना, देखिए आगे, अगर हम लोग सिग्मन फंक्शन के ग्राफ की बात करें, किसकी, सिग्मन फंक्शन के ग्राफ की बात करें, तो जो सिग्मन फंक्शन का ग्राफ होता है वो इस प्रकार होता है, ध्यान से देख लीजिए, सिग्मन फंक्शन के ग्राफ की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, सिग्मन फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है, ध्यान से देखिए, हमें जो वैल्यू मिली है वो, एक तो वैल्यू क्या मिली है, x बराबर जीरो पर वैल्यू क्या मिली है, जीरो मिली है। ठीक है, फिर x इज ग्रेटर देन क्या, जीरो, x इज लेस देन जीरो है, x इज लेस देन जीरो, आप बताइए ये x अच्छा है, तो इधर की तरफ जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, x इज ग्रेटर देन जीरो, और इधर की तरफ जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, x इज लेस देन जीरो। कह रहे हैं कि जब x इज लेस देन जीरो होता है तब उसका मान क्या होता है, माइनस एक होता है, कितना होता है, फलन का मान कितना होता है, माइनस एक, ये तो जीरो है, लेकिन इसके खाना नीचे आओगे तो यहां क्या मिलेगा, माइनस एक। आगे वो कह रहे हैं जब x का मान बड़ा होता है जीरो से तब क्या मिलता है हमें, एक मिलता है, अर्थात कहां की तरफ आएंगे, ऊपर की तरफ आएंगे। ठीक है ना, यहां देख पा रहे हैं आप बराबर का चिन्ह दोनों में से किसी के पास नहीं है। मैंने आपको समुच्चय पढ़ाते समय समुच्चयों में अंतराल पढ़ाया था, यदि बराबर का चिन्ह नहीं होता तो हम व्हाइट बॉल रखते हैं, कौन सी बॉल रखते हैं, व्हाइट बॉल, मतलब यहां जो रखेंगे वो पॉइंट रहेगा ऐसे। ठीक है, यहां भी जो पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा, ऐसे। क्यों रहेगा, क्योंकि यहां हमारे पास क्या है, इक्वल टू का साइन नहीं है, जब इक्वल टू का साइन नहीं होता तो हम लोग जो रखते हैं वो कौन सी बॉल रखते हैं, व्हाइट बॉल, और व्हाइट बॉल का मतलब होता है वो टच नहीं कर रही है, क्या कर रही है, टच नहीं कर रही होती है, अर्थात यहां क्या हो जाएगा, एक के लिए खींचा तो जाएगा लेकिन वो एक सच को टच नहीं करेगा। अगली बार यहां क्या हो जाएगा, ये ऐसे इधर की तरफ खींचा जाएगा, जब एक्स इज लेस देन जीरो होगा तो माइनस एक, और जब एक्स इज ग्रेटर देन जीरो होगा तो क्या आएगा हमारे लिए, प्लस एक आएगा। ठीक है ना, यहां देखिए, यहां हमने लिखा है, ये हो गया। ठीक है, ये हमारी क्या है, रेंज है, ये हमारी क्या है, रेंज। वैसे परिसर प्रांत की बात करें, किसकी बात करें, प्रांत की बात करें, ठीक है, तो प्रांत जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर, आप कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन आपको आंसर में जो मिलना है वो परिसर कहलाता है, क्या कहलाता है, परिसर, वो सिर्फ और सिर्फ आपको कौन मिलेगा, एक मिलेगा, जीरो मिलेगा, और कौन मिलेगा, माइनस एक। आप किसी और भी फंक्शन को इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हम उदाहरण के तौर पर अभी आपके सामने एक उदाहरण रखेंगे। ठीक है, अभी तो ये देख लीजिए इसका ग्राफ कैसा होता है। ठीक है, ग्राफ जो होता है वो आप समझ सकते हैं कि एक आदमी है जो दो तलवार लिए क्या हुआ है, खड़ा हुआ है ऐसे करके, समझ पा रहे हैं ना, एक तलवार किधर की तरफ, आगे की तरफ है, और दूसरी तलवार कैसे है, पीछे की तरफ है। ठीक है ना, देख पा रहे हैं आप, एक तलवार इधर की तरफ, दूसरी तलवार इधर की तरफ। ठीक है, ये रहा इसका सिग्मन फंक्शन का ग्राफ। एक उदाहरण के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि और भी सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे आपको सवाल दे दी जाए, ठीक है, फाइंड द डोमेन, क्या कहा जाए कि प्रांत ज्ञात कीजिए, क्या कीजिए, प्रांत ज्ञात कीजिए, प्रांत ज्ञात कीजिए, किसका प्रांत ज्ञात करना है, उन्होंने कहा है कि प्रांत ज्ञात कीजिए या परिसर ज्ञात कीजिए, प्रांत परिसर दोनों लिख देते हैं, परिसर भी, परिसर। ठीक है, ध्यान सुनिए, परिसर एवं प्रांत ज्ञात कीजिए, किसका, वाई बराबर सिग्मन, सिग्मन फंक्शन ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, हमें क्या, परिसर और प्रांत ज्ञात करना है। तो ध्यान सुनिए, सबसे पहली बात, तो अभी जो हम जहां खड़े हैं वो कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है, आपको एक फलन दिया गया है, वो फलन कौन सा है, सिग्मन फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, सिग्मन फंक्शन। सबसे पहले सिग्मन फंक्शन मिलते ही उसे क्या करें, डिफाइन करें, क्या करें, डिफाइन करें। मैं तो कहूंगा कि आप यहां दूसरे वाली लाइन पर डिफाइन ना करें, डायरेक्टली आप डिफाइन करें तीसरे वाली लाइन पर। ठीक है ना, देखिए कैसे, जब हम लोग इसे डिफाइन करना शुरू करेंगे तो लिखेंगे सिग्मन फंक्शन ऑफ क्या, सिग्मन फंक्शन ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स, इस प्रकार परिभाषित है कि वो माइनस एक देता है, क्या देता है, माइनस एक देता है जब यहां इस पूरे को एक्स माना जाए। देखिए, हमने इसी एक्स को तो यहां माना है, यहां जब माइनस कब देता है, जब एक्स इज लेस देन क्या होता है, जीरो, अर्थात एक्स क्यूब माइनस एक्स इज लेस देन जीरो होगा तो हमें आंसर क्या मिलेगा, माइनस एक मिलेगा। ठीक है, आगे उन्होंने कहा कि ये एक भी मिलेगा कब, जब एक्स क्यूब माइनस एक्स इज ग्रेटर देन क्या होगा, जीरो होगा। अगली बार उन्होंने कहा कि ये जीरो होगा,
क्या होगा, जीरो होगा। कब, जब x क्यूब माइनस x बराबर होगा किसके, जीरो के। तब देखिए हमने यहां तीन परिभाषा, तीन प्रकार से आपको परिभाषित करने के लिए बोला था, हमने यहां दिए गए फलन को भी तीन प्रकार से क्या कर दिया है, परिभाषित कर दिया है। आगे देखिए हम लोग इसे क्या करते हैं और आगे परिभाषित करते हैं, और आगे कैसे परिभाषित कर रहे हैं ध्यान से देखिए। जैसे ये वाली लाइन है, ठीक है, यहाँ क्या लिखा है, x क्यूब माइनस x बराबर क्या, जीरो। अगर इसे हम लोग आगे परिभाषित करें तो इसे कैसे लिख सकते हैं, इन दोनों में हमारे पास क्या है, x कॉमन है, x कॉमन कर लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा, x स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा, माइनस वन, बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। आगे बढ़िए इसी को लेकर, तो यहाँ हो जाएगा x ब्रैकेट में, यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर माइनस एक का स्क्वायर, बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। ये देखिए ये हो गया क्या हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, x ब्रैकेट में x माइनस वन, अगले ब्रैकेट में कौन, x प्लस वन, बराबर क्या हो जाएगा हमारे लिए, जीरो। ठीक है ना, ध्यान से सुनिए, यहां से x की वैल्यू क्या क्या मिलने वाली है आपको, यदि तीन पदों का गुणनफल जीरो है तो निश्चित रूप से उसमें से कोई एक जीरो होगा। यदि x जीरो हुआ तो x बराबर क्या मिलेगा आपको, जीरो मिलेगा। अगली बार उन्होंने कहा x माइनस वन बराबर जीरो, तो x बराबर क्या मिलेगा, वन। अगली लाइन उन्होंने कहा x प्लस वन बराबर जीरो, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस वन। ठीक है ना, तो आपको तीन आंसर मिल गए x के, कौन कौन से, x बराबर जीरो, x बराबर एक, x बराबर क्या, माइनस एक। ठीक है, इसी प्रकार से यदि इन दोनों को आप हल करेंगे, इन दोनों को हल करेंगे, तो ध्यान से देखिए जैसे ऊपर वाले को हम लोग हल करते हैं तो यहां क्या मिलने वाला है, x क्यूब माइनस x इज लेस देन जीरो। ठीक है, आगे करेंगे हम लोग इसे, x कॉमन हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस वन इज लेस देन जीरो। आगे बढ़े भैया तो यह हो जाएगा x, एक ब्रैकेट में x माइनस वन, अगले ब्रैकेट में x प्लस वन इज लेस देन जीरो। ठीक है ना, हम लोग क्या बनाएंगे, संख्या रेखा बनाएंगे, क्या बनाएंगे, संख्या रेखा। संख्या रेखा ये देखो बन गई, ठीक है, संख्या रेखा में हमें x के कौन कौन से मान मिल रहे हैं, यहां से भी वही मान मिल रहे हैं और यहां से भी वही मान मिल रहे हैं, मिल रहे हैं ना। तो ध्यान से देखिए यहां से x का मान कौन मिल रहा है, जीरो मिल रहा है, कौन मिल रहा है, प्लस एक मिल रहा है, और कौन मिल रहा है, माइनस एक मिल रहा है। ठीक है ना, देखिए ध्यान से, अगर फलन क्या होता है, पूरा धनात्मक होता है तो शुरुआत कहां से होती है, प्लस से, कहां से होती है, प्लस से। ठीक है, फिर क्या, प्लस। अब बताओ ये एक जो है वो कहां से आया, एक जो है वो x माइनस वन से आया, x माइनस वन इज लेस देन जीरो करोगे तो x माइनस वन उस पार पछांदे करने पर क्या हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा। तो बताइए इसकी घात कैसी है, घात की बात करें तो इसकी घात क्या है, ऑड है, विषम है। अगर विषम रहती है तो ये जो चिन्ह है वो क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। कैसे, जीरो किसने दिया, जीरो x ने दिया, x की भी घात क्या है, विषम है, इसलिए फिर से माइनस से क्या हो गया, प्लस हो गया। माइनस एक किसने दिया, माइनस एक को भी एक्स प्लस वन ने दिया, इसकी भी घात कैसी है, विषम है, इसलिए इसका भी चिन्ह बदलेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। समझ गया ना, इसका मतलब फलन जीरो से एक में डिक्रीजिंग और एक से आगे के लिए इंक्रीजिंग, जीरो से एक के लिए क्या इंक्रीजिंग, जीरो से एक के लिए इंक्रीजिंग और बाकी के लिए क्या है, डिक्रीजिंग है, क्या है, डिक्रीजिंग है। ठीक है, देखिए इसका ग्राफ बना देते हैं, क्या बना देते हैं, ग्राफ। ग्राफ कैसे बनाएंगे, ये रहा हमारा कौन, y एक्सिस, ये रहा हमारा कौन, x एक्सिस। ठीक है ना, तो सबसे पहले जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ बनाएंगे कहां शुरुआत करेंगे, जीरो से। ये हमारा कौन सा पॉइंट रहा, जीरो, कौन रहा, जीरो। ध्यान से देखिए, जीरो से लेकर के माइन एक तक, प्लस एक तक, जीरो से एक प्लस एक यहां है ना, ये देखो ये प्लस एक है, कौन सा है, प्लस एक है। ठीक है, आगे देखोगे तो ये कौन है, माइनस एक है। ठीक है, आगे देखिए, अगर हम लोग देखें क्या कि जीरो से लेकर कहां तक, अच्छा x अक्ष पर हमें लेना था, x और y, एक और माइनस एक, ये कौन है, एक है, ये कौन है, माइनस एक है। ठीक है, ध्यान से देखिए, जीरो से हमें कहां तक जाना है, जीरो से हमें कहां जाना है, जीरो से हमें एक तक जाना है, वो भी कैसे, वो भी कैसे, एक बार तो हमें क्या जाना है, पॉजिटिव, एक बार क्या जाना है, निगेटिव, एक बार क्या जाना है, पॉजिटिव, और एक बार क्या जाना है, निगेटिव। तो जब जब पॉजिटिव की ओर बढ़ रहे हैं तो सबसे पहले क्या है, निगेटिव है, तो जीरो से एक तक जाएंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, जीरो से एक आ गए, कहाँ से कहाँ तक आ गए, ये जीरो से कहाँ, एक पर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो एक से ज्यादा हमेशा रहता है, ये तो भैया एक्स इज लेस देन जीरो के लिए है, ये माइनस के लिए है। खाना ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ शुरुआत होगी और यहाँ क्या हो जाएगा, ये ऐसे बढ़ जाएगा। ठीक है, अगले वाले में क्या कहा उन्होंने, अगले वाले में कहा है जीरो से माइनस एक तक पॉजिटिव है, जीरो से माइनस एक तक पॉजिटिव होने का मतलब क्या है हमारे पास, ये एक है,
तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा, यहां से लेकर के यहां तक हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। और आगे के लिए क्या हमारा निगेटिव है, ये रहा आपका क्या निगेटिव, ठीक है। इस प्रकार से जो ग्राफ बनेगा किसका, वाई बराबर सिग्मा ऑफ एक्स क्यू माइनस एक्स, ये हम आपका क्या रहेगा ग्राफ रहेगा। और जो रेंज रहेगी, परिसर रहेगा, वो क्या रहेगा, जीरो एक और माइनस एक, और प्रांत क्या रहेगा, ऑल रियल नंबर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले फलन की ओर। ये हमारा कौन सा फलन रहा, चिन्ह फलन रहा। हम लोग छ पढ़ चुके हैं, सातवें फंक्शन का क्या नाम है, सातवें फंक्शन का नाम है महत्तम, महत्तम फलन पूर्णांक, इसे अंग्रेजी में कहते हैं ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, शॉर्ट फॉर्मेट में इसे जी आई एफ बोला जाता है, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। यह है हमारा जी आई एफ, हिंदी में इसे महत्तम फलन पूर्णांक कहते हैं। महत्तम फलन पूर्णांक की एक खूबसूरती है, सबसे पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि महत्तम फलन पूर्णांक को लिखते कैसे हैं, ध्यान से सुनिए। महत्तम फलन पूर्णांक को क्या करते हैं, एफ एक्स बराबर बड़े ब्रैकेट में ऐसे करके क्या किया जाता है, महत्तम फलन पूर्णांक को लिखा जाता है। लेकिन हम कभी भी इसे बड़े ब्रैकेट के रूप में पढ़ते नहीं हैं, इसे पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ एफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। आप इसे ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स पढ़ेंगे, मतलब महत्तम फलन पूर्णांक, तो सामने वाला समझ जाएगा कि हमें इसे कैसे लिखना है, डिब्बे में लिखना है। कहां लिखना है, डिब्बे में लिखना है। एफ एक्स बराबर क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। सबसे पहली बात कि आप जब भी महत्तम फलन पूर्णांक की बात होगी तो आप उसे कैसे लिखेंगे, बड़े बड़े कोष्टक के अंदर लिखेंगे। सबसे पहली बात तो इसकी ये है। दूसरी बात महत्तम फलन पूर्णांक की सबसे खूबसूरती बात यह है कि यह हमेशा, अगर आप इसके अंदर कोई वैल्यू डालोगे ना, तो यह हमेशा अपनी बाएं ओर की वैल्यू की तरफ क्या कर जाता है, भाग जाता है। जैसे हम पॉइंट लिख देते हैं सबसे पहले कि जी आई एफ सदैव अपने बाई तरफ के मान को क्या करता है, ग्रहण करता है, ठीक है। जैसे हमने क्या मॉडुलस फंक्शन में देखा था कि मॉड के अंदर अगर हम लोग माइनस भी डालते थे तो आंसर हमें क्या मिल जाता था, वो पॉजिटिव बना के उसे दे देता था। सेम उसी प्रकार से जी आई एफ की भी खूबसूरती है कि अगर आप इसके अंदर क्या करोगे, तीन डालोगे, कितना डालोगे, तो आंसर में आपको क्या दे देगा, तीन दे देगा। अगर आप इसके अंदर क्या डालोगे, 3.25 डालोगे, तो ये तुरंत आंसर आपको क्या दे देगा, तीन दे देगा। समझ पा रहे हैं आप। इसी प्रकार से अगर आप इसके अंदर 4.25 डालोगे तो आपको तुरंत आंसर क्या दे देगा, चार देगा। ध्यान सुन लीजिए, हमने यहां लिखा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सदैव अपने बाईं तरफ के मान को क्या करता है, ग्रहण करता है। जैसे मान लीजिए ये हमारी क्या है, संख्या रेखा, ये हमारी क्या है, संख्या रेखा, और ये कौन है, जीरो, ये कौन है, एक, ये कौन, दो, ये कौन, तीन, ये कौन, चार, ठीक है। आप क्या करो, आप तीन के बाद चार से पहले की कोई भी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में फेंको। आप कोई भी वैल्यू तीन के बाद और चार से पहले की कोई भी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर में जब आप फेंकोगे, तो हमने लिखा है कि वो सदैव अपने बाई तरफ की वैल्यू को क्या करेगा, प्रेफर करेगा, अर्थात आपको तुरंत कहेगा कि इसका आंसर जो आने वाला है वो कितना है, तीन। इसीलिए इसका नाम है महत्तम फलन, और ये क्या है, हमेशा पूर्णांक रहने वाला है। क्या रहने वाला है, पूर्णांक। जैसे हमने यहां देखिए 3.25 रखा, उससे आंसर में क्या दे दिया, तीन दे दिया। इसी प्रकार से यदि हम 4.25 डालें तो आंसर में क्या मिलने वाला है, चार मिलने वाला है। यदि आप इसी में 25.16 डाल दीजिए तो आपको आंसर तुरंत क्या मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम लोग ऋणात्मक संख्याओं की ओर आगे बढ़े, तो जैसे मैंने -6.25 रख दिया तो आपको आंसर में क्या मिल जाएगा, -7। क्या मिल जाएगा, -7। आप इसे ध्यान से समझ लीजिए कि -7 क्यों हो रहा है। अगर हम इसी की जगह क्या रखें, 6.25, तो आंसर आपको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। हमने आपसे कह रखा है कि जी आई एफ फंक्शन सदैव अपने बाईं तरफ की वैल्यू लेता है, कौन सी तरफ की, बाईं तरफ की। तो चलिए आप माइनस में भी बना लेते हैं, चलो छोटा नंबर लेके बना लेते, जैसे -3.33, तो आंसर आपको क्या मिलने वाला है, -4।
क्या मिलने वाला है? माइनस चार। देखिए ये क्या होगा, माइनस एक, ये माइनस दो, ये माइनस तीन, ये क्या माइनस चार। माइनस तीन दशमलव तीन तीन का क्या मतलब है? माइनस तीन दशमलव तीन तीन का मतलब है कि तीन के इधर, तो यहां आपको कहीं ना कहीं तीन दशमलव तीन तीन मिलेगा। और बाई ओर कौन पढ़ रहा है? बाई ओर आप देखेंगे तो कौन है, माइनस चार है। इसलिए ये इसकी खूबसूरती है कि आप इसके अंदर कोई भी डेसिमल वैल्यू डालोगे, कोई भी डेसिमल वैल्यू डालोगे तो वो आपको तुरंत निकाल करके पूर्णांक बना करके बाहर रख देगा, ठीक है ना। और हमेशा वैल्यू किधर की तरफ गिरेगा, बाई तरफ गिरेगा, ठीक है ना। उदाहरण में और भी बहुत सारे उदाहरण लिए जा सकते हैं, और इस पर सवालें भी इसी प्रकार से आती हैं जिसमें बच्चों को जोड़ने में भी समस्या होने लगती है। जैसे आपको क्या कर दिया जाए, एग्जाम्पल स्वरूप सवाल दे दी जाए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.5 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.56 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.565 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.5675। तो आपको क्या करना है, जोड़ने के लिए सबको दशमलव दशमलव थोड़ी लगाना है। इन्होंने ग्रेटेस्ट इंटीजर यदि लिखा है इसका मतलब ये भी दो है, ये भी दो है, ये भी दो है, और ये भी क्या है, दो। तो कुल मिला जुला के आंसर क्या हो जाने वाला है, आठ हो जाने वाला है, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो खूबसूरती है वो समझ में आई होगी। अब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर के किसके ग्राफ की ओर आगे बढ़ते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो ग्राफ होता है वो बच्चों के खिलौने की तरह बनता है, ठीक है। आपने देखा होगा बच्चों का झुनझुना होता है, ठीक है, जिसे वो बजा रहे होते हैं, ठीक है। उसके हुंडी गुंडी ऊपर की तरफ क्या बना होता है, जिसे इसके ऊपर की तरफ क्या बना, गोल गोल टाइप का बना रहता है ना। तो सेम टू सेम कंडीशन है, कैसे, ध्यान से देखिए। मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक है, ये कौन दो है, ये कौन तीन है, ये कौन चार है, ये कौन पांच, ठीक है। चलिए हमने शुरुआत करी, हमने क्या करी, शुरुआत करी। मान लो हमने शुरुआत करी, हमने आपको उदाहरण के तौर पर हमने कहा 0.55, ठीक है। तो आप आंसर में क्या बोलोगे, तुरंत आंसर में बोलोगे सर आंसर हो जाएगा हमारा कितना, एक। आंसर हमारा कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो आप क्या समझे, आपने आपने जीरो से तो शुरू करा लेकिन वो पहुंचा कहां, एक पर। इसका मतलब वो यहां से चला लेकिन यहां पर पहुंच गया, ठीक है। हम लोग यहां क्या लगा देंगे, वो गोला वाला पॉइंट लगा देंगे। कौन सा पॉइंट लगा देंगे, व्हाइट बॉल। कौन सी बॉल, व्हाइट बॉल, ठीक है। फिर अगले के लिए अगर हम लोग देखें 1.22 लिखे तो 1.22 को ग्रेटेस्ट इंटीजर में लिखते ही आंसर में क्या मिल जाएगा, दो मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है, अब हम चल रहे हैं एक से लेकिन पहुंच कहां रहे हैं, दो पर, समझ रहे हैं ना। इसी प्रकार से हम चल कहां से रहे हैं, दो से, पहुंच कहां रहे हैं, तीन पर। इसी प्रकार से हम लोग चल कहां से रहे हैं, तीन से, पहुंच कहां रहे हैं, चार पर। तो ये इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर का चित्र, ग्राफ, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्राफ कहते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, माइनस एक, ये माइनस दो, ये माइनस तीन, ठीक है। ये रहा आपका कौन सा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और ये रहा उसका क्या, ग्राफ, ठीक है। अगर हम लोग देखें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, उसमें फलन को एफ एक्स बराबर कैसे, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स के रूप में लिखा जाता है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर सदैव अपने बाएं तरफ की वैल्यू को क्या करता है, ग्रहण करता है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।